नमस्कार मित्रों, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे विद्यार्थियों। कब तक राजस्थान चपरासी भर्ती का एग्जाम होगा और इसमें क्या आयु रखी गई है और क्या क्राइटेरिया है, इसके अंदर कितनी सैलरी रखी गई है और क्या एग्जाम होगा इसमें या फिर इंटरव्यू बेस पर लिया जाएगा और क्या इसमें सिलेबस है, सभी हम जानकारी डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है आपके पास यह भर्ती में। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बिल्कुल इसी चपरासी भर्ती की हम बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बेरोजगार है तो अच्छी खासी सैलरी है इसके अंदर राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती के लिए। इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है समझते हैं, चलिए देखिए। दोस्तों, डिपार्टमेंट नाम है इसका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, पोस्ट का नाम राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024। वैकेंसी कितनी है, लगभग वैकेंसी दोस्तों 18,000 पोस्टेड आई है अब की बार। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। जॉब किसकी है, ये पियोन की है। जॉब किसकी है, पियोन की है। जॉब लोकेशन रहने वाली है आपकी राजस्थान, राजस्थानी स्कूल के अंदर। चर्चा करूं मैं दोस्तों इसके अंदर, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती में आयु क्या रखी गई है, काफी बच्चों के मन में डाउट है कि आयु क्या रखी गई है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आयु दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक इसमें आयु रखी गई है आपकी, और नियमानुसार आपकी आयु में विशेष छूट भी प्रदान की गई है। राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 के 18,381 पदों पर भर्ती की जाएगी 2024 के अंदर, यह भर्ती होनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, राजस्थान के अंदर बम्पर बम्पर भर्तियां निकल रही है, अगर 2024 में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कभी नहीं होगा, फिर देख लेना। राजस्थानी स्कूल चपरासी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क दोस्तों मैं बता दूं अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि आप सभी कैंडिडेट को बता दें इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। आप सभी कैंडिडेट को आवेदन शुल्क को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। यदि आप आवेदन शुल्क ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो आप ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही आप सभी कैंडिडेट को सरकारी नियमानुसार आवेदन शुल्क श्रेणी में हिसाब से छूट दी जाएगी। दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको इसके अंदर फॉर्म फीस लगभग दोस्तों एससी हो या सभी कैटेगरी के अनुसार लगेगी, लेकिन ओबीसी की मैं बताऊं आपको लगभग 300 रुपये आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। देखिए दोस्तों, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती के अंदर सैलरी की मैं बात करूं, सैलरी कितनी है, काफी बच्चों के मन में डाउट है कि सर सैलरी कितनी रहेगी इसके अंदर। सैलरी दोस्तों 13,000 से लेकर आपकी लास्ट 25,000 तक है। कितनी है, 13,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी रहने वाली है इस भर्ती के अंदर। और काम करना पड़ेगा दोस्तों इस भर्ती में, स्कूल के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि चपरासी की भर्ती है। स्कूल के अंदर क्या काम होता है आपने देखा होगा, चपरासी क्या करता है, चाय बनाता है, खाना बनाता है, यही काम होगा दोस्तों। और विशेषानुसार स्कूल के अंदर जितनी भी छुट्टियां आती है उसको उतनी ही छुट्टियां मिलेगी चपरासी को। देखिए, राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न मैं बता दूं तो ये ऑफलाइन होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा दोस्तों ऑफलाइन होगा। काफी बच्चे डाउट कर रहे हैं कि सर इसके अंदर क्या आठवीं पास फॉर्म भरवा सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों यह भर्ती भी आठवीं पास की है, यह भर्ती भी आठवीं पास की है। अगर आपने टेंथ की है, प्लस टू की है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं और आपने टेंथ या फिर एट्थ क्लास की है, या फिर आप फाइव क्लास तक भी पढ़े हैं, तो इस फॉर्म इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। आगे जानकारी देखिए, परीक्षा के अंदर अंतर्गत विद्यार्थी में सामान्य ज्ञान, विज्ञान और रीजनिंग क्लास, संस्कृत, राजनीतिक, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास आधारित विषयों पर आएंगे दोस्तों यह क्वेश्चन। और एग्जाम में कुल 300 अंक का अंतर्गत और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम होगा 300 अंकों का और उसमें कितने प्रश्न आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। और कितना टाइम लगेगा, लगभग 2.5 घंटे का टाइम होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की गलती उत्तर होने पर आपका 1/3 अंक मार्किंग किया जाएगा, 1/3 भाग आपका माइनस मार्किंग भी किया जाएगा। इसकी फॉरम डेट कब है मैं बताऊं आपको, इसकी फॉरम डेट कब है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन मई में आने वाला है। काम कब आएगा, मई में आने वाला है, और मई के अंदर भी इसका फॉरम अप्लाई किया जा सकता है। और
फौरन आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम दोस्तों सितंबर में होने की संभावना है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए और इस भर्ती की पूरी संपूर्ण डिटेल मेरे साथ है जुड़े रहने के लिए और जानिए, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान आठवीं पास होना जरूरी है, आठवीं पास होना जरूरी है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है टेंथ क्लास तक। मान्यता प्राप्त संस्था दसवीं पास होना जरूरी, मान्यता प्राप्त पांचवीं पास होना जरूरी। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर यह चयन होगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन के आधार पर यह चयन किया जाएगा, चयन फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर यह चयन किया जाएगा। काफ़ी सारी दोस्तों यह बातें हैं मैंने आपको बताई है और यह दोस्तों मेरिट बेस पर भर्ती नहीं है, इसके अंदर एग्जाम होगा। काफी बच्चों के मन में डाउट है कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट बताऊं मैं आपको कि इसके अंदर आवश्यक दस्तावेज क्या है। आधार कार्ड होगा, एक तो सभी का बना ही होता है आधार कार्ड। आयु प्रमाण पत्र दोस्तों ये बन जाएगा या नहीं बना है तो आप ₹50 देकर आयु प्रमाण पत्र बना लीजिए। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों ₹150 लगेंगे, वहाँ बना लीजिए, 6 माह पहले का नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र ये दोस्तों बन जाएगा, मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी भी और खुद की फोटो, ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जरूरी डॉक्यूमेंट। और के साथ में बात करूँ तो राइट आंसर, राइट क्या होगा, हस्ताक्षर, आपका राइट हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है तो मैं साइन करता हूँ इस प्रकार से और यही मेरे बैंक में साइन चलता है, इसी प्रकार से आपका एक हस्ताक्षर होना चाहिए। और आपका ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या किया जाएगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल्ड कर दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा और आप इसमें भर्ती में चयन हो सकते हैं और आप बेरोजगार से आप पैसे कमा सकते हैं दोस्तों और आप रोजगार, बिल्कुल रोजगार पा सकते हैं मेरे विद्यार्थियों। देखिए दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है और राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 की बम्पर भर्ती है दोस्तों, लगभग 18,000 वैकेंसी है, तो काफ़ी वैकेंसी है और सैलरी भी अच्छी खासी है और आयु भी दे रखी है इसके अंदर और आठवीं क्लास पास होना जरूरी है। विद्यार्थी अगर आठवीं पास है तो इसके अंदर फॉर्म भरवा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक राय अगर आपको लास्ट में दूं तो इच्छुक विद्यार्थी ही इसके अंदर फॉर्म भरे, इच्छुक विद्यार्थी ही फॉर्म भरे। अगर आपकी एज अभी तक 20 प्लस है या फिर 25 के अंडर में है तो ये फॉर्म ना भरें, क्योंकि इस भर्ती का मौका उन व्यक्तियों तक है जो आठवीं पास की हुई है और रोज बेरोजगार फिर रहे हैं, तो ताकि उनको रोजगार मिले और आप एक अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मेरा यह समझाना था कि राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती का आज अखबार में यह नोटिफिकेशन आया था कि भर्ती होने वाली है, तब मैं आपके लिए एक सूचना लेकर आया था ताकि बच्चे स्टिक रहे और अलर्ट रहे, ताकि भर्ती आने से आपका फॉर्म अप्लाई हो सके और आप एग्जाम में दे सकते हो। दोस्तों आपको यह सूचना कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताना और जीके सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और चैनल को दोस्तों आप तक और आपको और आपके 10 मित्रों तक शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताना आपको यह सूचना कैसी लगी। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और प्यारी सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।